नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल में प्रोफेशनल डिग्री। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो जॉब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, और कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस रहेंगी जिनके थ्रू हम इजीली जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इंट्रो में जाना कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और लॉगिन प्रोसेस रहा कि एनआईएसएम पे हम किस तरह से लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो फर्स्ट स्टेप पकड़ा है एनआईएसएम के जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको किस तरह से क्लियर करके और किन किन फील्ड्स में हम जा सकते हैं, इस चीज़ को लेकर आया। देर आफ्टर एग्ज़ाम एनरोलमेंट किस तरह से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर कोई भी मेरा भाई ऐसा है जिसने अभी तक वीडियो को नहीं देखा, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी, तो उन वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ आपके काम की चीज़ है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए, बट फिलहाल के लिए मैं बात करूँगा एनआईएसएम मॉड्यूल 5 की, जो कि है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे कि म्यूचुअल फंड 5 का जो सिलेबस है इस मॉड्यूल का वो क्या रहेगा, एंड देर आफ्टर अगर हमारे पास टाइम रहता है तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से हम इसको अपने कैरियर में यूज़ कर सकते हैं, लाइक जॉब के लिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या किसी और पर्पज़ से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले हम एनआईएसएम की साइट पर आएंगे। तो एनआईएसएम में मैं लॉग इन कर लेता हूँ अपना। तो ये जो पहला लिंक आ गया certifications.nism.ac.in, तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे हमें लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप लोगों ने लॉगिन क्रिएट कर रखा है अपना, मेरा डायरेक्टली लॉगिन हो गया बिकॉज़ मैंने री लॉगिन का ऑप्शन ऑन नहीं रखा हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरा लॉगिन हो चुका है। अब हमें जानना है कि मॉड्यूल क्या है। तो अगर किसी का लॉगिन नहीं है, वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड वो वीडियोस देख के आप अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। एंड अभी हम अपने डैशबोर्ड पे आ गए हैं। डैशबोर्ड में हम जाएंगे माई एग्जामिनेशन। तो जिस तरह जैसे ही मैं अपने एग्जामिनेशन पे क्लिक करूँगा तो जिस भी एग्ज़ाम के लिए मैंने अप्लाई करा हुआ है उसकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो दोस्तों, मैंने 3 एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर करे हुए हैं। पहला है एनआईएसएम सीरीज़ 8, जो कि इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन है, तो इसका यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद एनआईएसएम सीरीज़ 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम, ये अगस्त 16 का है, और इसके नीचे भी सेम ही है जो मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम अपना क्लियर करा था। तो दोस्तों, अब मेरे को इसकी वर्कबुक चाहिए ताकि मैं देख सकूँ मेरे को सिलेबस क्या क्या आ रहा है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रेपरेशन करेंगे। तो अभी हम जिस तरीके से म्यूचुअल फंड सीरीज़ 5 के लिए जा रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ वर्कबुक डाउनलोड, सर्टिफिकेट डाउनलोड। तो अगर आपका सर्टिफिकेट अभी इशू नहीं हुआ तो यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा। तो मेरा इशू हो चुका है इसलिए मेरे को यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है, तो इसे मैं करूँगा वर्कबुक को डाउनलोड। ये एक नई विंडो ओपन होगी, जैसे ही ये यू मे क्लोज दिस विंडो आफ्टर डाउनलोड इज़ कम्प्लीट। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद मैं इस विंडो को क्लोज़ कर सकता हूँ। तो अभी डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, वेट कर लेते हैं थोड़ा डाउनलोडिंग के स्टार्ट होने का। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है डाउनलोडिंग। तो देखिए दोस्तों, ये जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है यहाँ पे 99.zip। तो अब इसे हम फोल्डर में जाके ओपन करेंगे, शो ऑल।
यहाँ पे अभी डाउनलोडिंग कंप्लीट नहीं बता रहा, तो डायरेक्टली मैं फोल्डर में जाके चेक कर लेता हूँ ये वहाँ पे ये फाइल शो हो रही है या नहीं। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है ये पार्ट, तो चलिए मैं पहले इसे देख लेता हूँ। तो दोस्तों कर चुका हूँ डाउनलोड और अनजिप भी कर चुका हूँ, तो देख लेते हैं कि फोल्डर में क्या क्या है। तो इसमें से दोस्तों दो फाइल्स आई हैं, NSM Series 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेकेंड आ गया NISM Series 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोनों फाइलें सेम मॉड्यूल की हैं, बट यहाँ पे इनमें साइज़ का डिफरेंस दिया गया है। एक 13 MB की फाइल है और एक अराउंड 4 MB की फाइल है। तो दोनों को मैंने ओपन लिया हुआ क्रोम के अंदर ही। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 MB की जो मॉड्यूल है उसमें क्या है। तो दोस्तों ये वर्कबुक फॉर NISM Series 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, और इसका हम सिलेबस भी देखेंगे और देखेंगे ये कब रिलीज़ हुई थी। तो दोस्तों ये वो वर्कबुक वर्जन जून 2018 का है, और सेकंड जो है उसका भी देख लेते हैं कि कब का वर्ज़न है। और ये वर्कबुक रहेगी वर्जन अप्रैल 2020, तो 2020 में ये वर्कबुक रिलीज हुई है। तो दोस्तों दोनों को हम समझेंगे बिकॉज कि दोनों का सिलेबस डिफरेंट है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको पहली वाली वर्कबुक का बता देता हूँ जिसका साइज़ 4 MB का था। बिकॉज मैं साइज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों फाइल्स के नाम सेम हैं, तो कोई आ जाते हैं इसके सिलेबस में। तो इस वर्कबुक में टोटल 12 चैप्टर्स दिए गए हैं जिनको हमें क्लियर करना है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। चैप्टर फर्स्ट आ गया कंसेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स का क्या कंसेप्ट है और क्या रोल है ये इस चैप्टर में एक्सप्लेन करा गया है। सेकंड आ गया फंड स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। थर्ड वन आ गया लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड फोर्थ चैप्टर इज ऑफर डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह रहती हैं उसके रिगार्डिंग ये चैप्टर रहेगा। फिफ्थ चैप्टर आ गया फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट, तो इसके ऊपर भी हम पढ़ लेंगे। सिक्स चैप्टर आ गया अकाउंटिंग वैल्यूशन एंड टैक्सेशन एंड सेवन चैप्टर इज इन्वेस्टर सर्विसेज। एट चैप्टर रिटर्न परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स का काम करना चाहते हैं तो ये 8th चैप्टर, 7th चैप्टर एंड 4th चैप्टर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1st चैप्टर। तो ये चैप्टर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिलहाल तो मतलब जो 12 के 12 चैप्टर हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बट मेजर ये इन चैप्टर्स पे आपको ध्यान देना होगा। एंड देयर आफ्टर 9th चैप्टर हाउ टू चूज बिटवीन स्कीम कैटेगरीज, हाउ टू सिलेक्ट ए स्कीम विद द स्कीम कैटेगरी। तो ये म्यूचुअल फंड की स्कीम्स एंड कैटेगरीज को लेके रहेगा 9th चैप्टर। एंड 10th चैप्टर सिलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स फॉर इन्वेस्टर्स। तो सभी चैप्टर इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। 11th वन आ गया हेल्पिंग इन्वेस्टर विद फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इस काम का, हेल्पिंग इन्वेस्टर विद अ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 12th चैप्टर आ गया रिकमेंडिंग मॉडल पोर्टफोलियो एंड फाइनेंशियल प्लान्स।
तो सारे के सारे चैप्टर दोस्तों इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, एंड इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल पे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या सिलेबस दिया गया है। आई थिंक अराउंड 12 चैप्टर ही सेम मॉड्यूल के अंदर दिए गए हैं, और ये अपडेटेड वर्जन है प्रीवियस मॉड्यूल का, तो इसे भी देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले चैप्टर का नाम यहाँ पे चेंज करके रखा गया है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, और इसमें जो सब कैटेगरीज आ रही हैं इन्वेस्टर एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स, सेविंग्स एंड सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, डिफरेंट एसेट क्लासेस, इन्वेस्टमेंट रिस्क, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें वो वाला चैप्टर मेजरली देखना पड़ेगा। देयर आफ्टर सेकेंड चैप्टर यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में कवर किया गया है, पिछले का जो फर्स्ट चैप्टर था वो यहाँ पे सेकेंड चैप्टर में आ रहा है, कंसेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। देयर आफ्टर थर्ड चैप्टर आ गया लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, लीगल एंड रेगुलेटर फ्रेमवर्क फोर्थ चैप्टर रहेगा। फिफ्थ चैप्टर आ गया स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एंड सिक्स चैप्टर आ गया फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो सभी चैप्टर्स को हमें देखना होगा ध्यान से, और इस सिलेबस को देखने के अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि हमें यही मॉड्यूल देखना पड़ेगा प्रीवियस वाले को, ये क्विट कर चुके हैं क्योंकि उसका काफ़ी सारा डाटा यहाँ पे डाल के एंड आई थिंक एड ऑन करा गया है इस सिलेबस में। तो देखिए लास्ट तक देखते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। चैप्टर 7 आ गया नेट एसेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड प्राइजिंग ऑफ यूनिट, ये चीज़ जो है ये पिछले मॉड्यूल में नहीं थी। 8th आ गया टैक्सेशन, एंड 9th वन आ गया इन्वेस्टर सर्विसेज, देयर आफ्टर रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स, ये प्रीवियस चैप्टर में भी थी दोस्तों। 11th आ गया म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस, तो किस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम्स रहती हैं उसके बारे में आ गया, एंड 12th चैप्टर आ गया म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन। तो दोस्तों इसे काफ़ी चीज़ें चेंज करी गई हैं। देयर आफ्टर अपेंडिक्स आ गए हैं यहाँ पे, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन KYC, तो जो वहाँ पे एक अलग से चैप्टर बना के दिए हुए थे यहाँ पे उन्हें अपेंडिक्स में डाल दिया हुआ है कुछ चीज़ों को, जैसे KYC हो गया, MP कोड ऑफ एथिक्स वगैरह सब इन्फॉर्मेशन को, तो यहाँ पे अपेंडिक्स में डाल दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर इस सर्टिफिकेट होल्डर के लिए रहती हैं। तो ब्रीफ में जानेंगे, नॉर्मली तो मैंने आपको बता दिया था कि बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, किसी AMC में अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपरली जानेंगे कि किस तरह से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं और कैसे हम उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो वेट करिए हमारे अगले वीडियो का, जल्दी लेके आएंगे हम। थैंक यू।